नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मतदान की तैयारियां हुई पूर्ण, खबर यूपी के बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के ग्राम लोथर से आ रही है, जहां मतदान की तैयारियां हुई पूर्ण। मतदान स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। इसी के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्र पर बिना मास्क के लोगों का प्रवेश वर्जित, मतदान स्थल से 200 मीटर की दूरी पर ही रहने का आदेश जारी हुआ। मतदान स्थल पर बिना मास्क के पाए जाने पर की जाएगी कार्यवाही, और थाना प्रभारी बीके राणा ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखें अविनाश शंखधार की यह रिपोर्ट। मेन चीज रहती है कि वोटर आईडी को लेके संशय रहता है, तो किस तरीके की वोटर आईडी मान्य होगी जिसका मतदान जिसे करना है, वोटर आईडी में जिसका नाम है। आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, निर्वाचन कार्ड यूज कर सकते हैं, और पैन कार्ड वगैरह भी, या फिर आपकी जो है कि बैंक पासबुक वगैरह, ये सारी चीज़ हमको मिली हैं कि पहचान पत्र के लिए यूज़ कर सकते हैं मतदान। क्या कोरोना को लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है? हाँ, ये है, अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो उसको लास्ट में या अंत में मतदान के जो है उसको करा सकते हैं, उसका मतदान कराएंगे। तो अभी कितने समय में वोटिंग शुरू हो जाएगी? वोटिंग 7 बजे से स्टार्ट कर देंगे हम। लास्ट समय क्या रहेगा? लास्ट में जो है 6 बजे वोटिंग जो है समाप्ति हो जाएगी।